नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव कुमार एक बार फिर से आपकी सेवा में उपस्थित हूँ और हमारे YouTube चैनल SPL Health में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्यारे दोस्तों, आज का वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि इसमें मैं आपकी आँखों के संबंधित बहुत ही उपयोगी और फ़ायदेमंद जानकारी देने जा रहा हूँ। दोस्तों, आप तो जानते ही हैं, आंखें हमारे शरीर का एक बहुत ही सुंदर और आकर्षक होने के साथ साथ बहुत ही उपयोगी अंग है, जिसके माध्यम से हम भगवान की बनाई हुई इस सुंदर रचना को देख पाते हैं और हम अपने जीवन के रोज़मर्रा के कामकाज कर पाते हैं। अगर हमारी आंखों में कोई परेशानी आती है तो हमारा जीवन हमें बोझ लगने लगता है। हमारे चेहरे की सुंदरता भी हमारी आँखों से ही बनती है। दोस्तों, आज के इस इंटरनेट के दौर में जहाँ हम कंप्यूटर, लैपटॉप और मोबाइल का उपयोग बहुत ज़्यादा करते हैं और इसके बिना हम रह भी नहीं सकते, ये हमारी ज़रूरत और मजबूरी भी है क्योंकि आजकल हर काम ऑनलाइन ही हो रहा है। इसके अलावा प्रदूषण, हमारा लाइफस्टाइल भी हमारी आँखों पर प्रभाव डालता है। सो प्यारे दोस्तों, इन हालातों में बहुत ही ज़रूरी है कि हमें कुछ ऐसा साधन या कोई ऐसी खुराक मिल जाए जिसके इस्तेमाल से हमारी आँखें सदा सेहतमंद रहें। आज मैं आपको आपकी प्यारी और सुंदर आँखों के लिए एक बहुत ही अच्छा और अजमाया हुआ देसी नुस्खा लेकर आया हूँ, जिससे आपकी आँखों की रोशनी तो बढ़ेगी ही, साथ में आँखों की चमक और सुंदरता भी बढ़ेगी। इस नुस्खे के निरंतर सेवन से जिस भी भाई या बहन के चश्मा लगा है वह भी उतर जाएगा। तो चलिए जानते हैं उस देसी नुस्खे या खुराक के बारे में जिसके इस्तेमाल से हमारी आँखों की रोशनी भी बढ़ेगी और आँखों की चमक और सुंदरता भी बढ़ेगी। इस चमत्कारी नुस्खे को बनाने के लिए आपको केवल इन 6 चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, जो कि लगभग आसानी से आपको अपने रसोई घर में ही मिल जाएंगी। इनमें सबसे पहले आपको छोटी इलायची, जिसे हरी इलायची बोलते हैं, वो 50 ग्राम लेनी है। बादाम 50 ग्राम, काले चने देसी और भुने हुए 250 ग्राम, मिश्री 100 ग्राम, मगज़ कोई भी हो 50 ग्राम, काजू 50 ग्राम। ये सभी चीज़ें आपको आसानी से घर में मिल जाएंगी, नहीं तो आप बाज़ार से लेके आ सकते हैं। और दोस्तों, अब जानते हैं इस नुस्खे को तैयार कैसे करना है, उसकी विधि जो कि बहुत ही आसान है। सबसे पहले इन सभी चीज़ों को अच्छी तरह मिक्सर ग्राइंडर या किसी भी माध्यम से बारीक पीस लें और अच्छी तरह से पीस लेने के बाद मिक्स करके किसी साफ़ बर्तन या किसी बोतल में रख लें और हर रोज़ सुबह 10 ग्राम पाउडर खाली पेट या नाश्ते के बाद एक गिलास गुनगुने दूध के साथ सेवन करें। कुछ दिनों में सेवन करने के बाद आपको अपने आँखों की रोशनी और आँखों की चमक में फ़र्क महसूस होने लगेगा। इस नुस्खे में इस्तेमाल की गई सामग्री की मात्रा आप ज़रूरत के हिसाब से घटा या बढ़ा सकते हैं। प्यारे दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये आँखों से संबंधित देसी नुस्खा आपको ज़रूर पसंद आया होगा और ऐसे ही सेहत संबंधी जानकारियों के लिए हमारे YouTube चैनल SPL Health को आज ही सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें, ताकि आपको अगर कोई ऐसी ही उपयोगी जानकारी की वीडियो आए तो सबसे पहले आपको मिले और उसका लाभ उठा पाएं। मिलते हैं ऐसी ही किसी और जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।